気持ちよくない ट्रेनर रहे हैं मेरे साहब, एमबीए से शुरुआत की थी ट्रेनिंग, ट्रेनर की एज ए ट्रेनर थे हमें। उसके बाद कोई इंसान आप जो एमबीए में ट्रेनर हो वो यहाँ पे अगर कोई बात बोल रहा है और उसके बाद 10 कंपनियाँ जो इंटरनेशनल कंपनियाँ हैं उसमें ट्रेनिंग करके इजी वेज में आज ट्रेनिंग है, ट्रेनर हैं, तो वो सारा एक्सपीरियंस और कंपेरिजन आपको बताया जाए। जितने भी एमवे के जब तक मैं था 2004 तक वहाँ पे जितने भी ट्रेनर हम जब वहाँ पे एक्चुअली मैंने जब ज्वाइन किया था तो 5 ही लोग थे, 5 से लेकर 45 फिर 55 करीब हो गए थे, तो उसमें से करीबन 50% तो हम ही ने सेलेक्ट किए थे और हम ही ने ट्रेन किए, ट्रेनर्स को ट्रेनिंग हम ही देते थे और एमवे के प्रोडक्ट्स का जो न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स थे सबसे पहले इंडिया में लाकर यूएसए से इंडिया में लेके आए, हम लेके आए। मैं यूएसए में की जो पहली टीम जो गई थी एमवे की न्यूट्रिशन प्रोडक्ट लेने के लिए मैं उसके अंदर था, इंडिया में आके न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स का की ट्रेनिंग बनाई और ट्रेनिंग बनाकर और यहाँ लॉन्च किया न्यूट्रिशन। जो भी वर्ड्स आपको यहाँ सुनाई दे रहे हैं वो बहुत वैल्यूएबल हैं, ध्यान से सुनिएगा पूरा पूरा अपने आप को यहाँ रख के। तो दोस्तों जगह जगह अपने मैसेज को, जगह जगह अपने इरादे को पहुंचा। दोस्तों ये है आपका मैसेज और यहां पर एकत्र आइए, अपने पुराना जो भी प्रैक्टिस थी उसको जो जरूरी चीजें रखिए अपने पास, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो पुरानी चीजें आपको तंग ना करें, कंफ्लिक्ट में नहीं आए। आइए देखिए आपको इस सामने समझ में आ रहा क्या है? देखिए ये क्या लिखा, ध्यान से देखो, दोबारा देखो क्या लिखा, उसका विग्निंग फॉन्ट था। दोस्तों हम जब दूसरे के साथ बात करते हैं ऐसा ही होता है, दूसरा आदमी समझ नहीं आ रहा होता, हमारा फॉन्ट अलग होता है, अपना फॉन्ट चेंज करो यार, उसके साथ मैच करो, जो वो समझ में आ रहा है फॉन्ट वो फॉन्ट यूज करो भाई, अगर आप अपना ही फॉन्ट यूज करते रहेंगे और उसको समझ नहीं आएगी तो भैया क्या करोगे, बोले मैं तो अपना ही फॉन्ट यूज करता हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसे ही हो तो भैया बात समझ नहीं आती है। आइए आगे, फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन देयर ड्रीम्स। लेकिन सब अपने आप बताएंगे कि आखिरकार वो ड्रीम्स क्या है, किसी ने अपना ड्रीम लिख के देखा कागज के ऊपर? एनीबॉडी कुछ शेयर करे, ड्रीम लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अरे भाई क्यों नहीं लिखा यार, क्यों नहीं लिखा, सोचिए आपने अपना ड्रीम क्यों नहीं लिखा यार, अपना
अपना ड्रीम लिखिए, क्या बनना चाहते हैं, वरना रास्ता कहां से पता लगेगा। भैया आपने होटल पार्क से आना है, आनी है, और आपको रोड मैप ही नहीं मालूम हुआ तो कहां पहुंच जाओगे? कहीं इधर उधर गाजियाबाद में भटकते रहोगे, कहीं दिल्ली पहुंच जाओगे, क्या होगा? अपना ड्रीम लिखो, जगह लिखो, कहां पहुंच रहे, सिंपल। अगर नहीं लिखा तो लिख डालो, अगर नहीं लिखा तो लिख डालो। और एक ड्रीम में फेल हो गए, अभी एक का गोल जो है वो अच्छा नहीं लग रहा, चेंज करो, चेंज, यार ये मजा नहीं आया, ये वाला ड्रीम काट के दूसरा बनाओ, नई शीट पे नया ड्रीम, कोई बात नहीं, लेकिन लिखो बस ड्रीम। और ड्रीम वो होता है सोते टाइम नहीं, जागते हुए दिन के टाइम खुली आंखों से देखो। सोते रहे मत सोचना कि मेरे को सपना आएगा मैं सो जाऊंगा, नहीं आएगा। सपने 40-45 साल की उम्र के बाद आने शुरू होते हैं, उससे पहले नींद इतनी गहरी होती है, सपनों की जगह नहीं होती। तो आप सब लोग इतने बिल्कुल नजर आ रहे हैं, तो ड्रीम वगैरह की कोई जगह नहीं बचती होगी आपके पास काम करने के बाद, ठीक है जी। और ड्रीम मस्ट राइट, मस्ट राइट, लिख लो राइट नाउ, यू मस्ट राइट योर ड्रीम, कैसे पहुंचना है। थॉमस एडिसन, दूसरी चीज, कौन पढ़ के सुनाएगा, कौन पढ़ के सुनाएगा वाक्यों, एनीबॉडी बताओ, बताओ तो जल्दी से, एक राइट आदमी उठो और सुनाओ यार, जल्दी से, जल्दी से। अंग्रेजी में प्योर बोलने के लिए नहीं बोल रहा, टूटी फूटी बोलना यार, क्या हो गया, अंग्रेज थोड़ी हुई, घबराते क्यों, वही वही बैठ बैठ पढ़ो और सबको सुनाओ। वेरी गुड, जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% अकॉर्डिंगली ए जीनियस इज ऑफ्टन मेरली ए टैलेंटेड पर्सन हु हैज डन ऑल ऑफ हिज और हर होमवर्क। यानी कि हमने यहां से थॉमस एल्वा एडिसन ने इतने पुराने टाइम पे भी कहा हुआ है कि जीनियस वो है जिसने अपना होमवर्क कर लिया। क्या हमने अपना होमवर्क कर लिया दोस्तों? मैं आपके सामने आज इसीलिए खड़ा हूं कि आओ इकट्ठे मिलके होमवर्क करेंगे, होमवर्क को अपने साथ ले जाएंगे और उस होमवर्क से अपने कस्टमर्स को कॉन्टैक्ट करेंगे। एग्रीड? यस यस। ओके चलो चलते, पता सारी चीजें न्यूट्रास्यूटिकल नहीं कहते। मार्केट एक शुरू हुई थी फंक्शनल फूड्स की मार्केट, और दूसरी थी न्यूट्रास्यूटिकल की मार्केट, जो आपके छोटे छोटे प्रोडक्ट आते हैं ना, तुलसी, अश्वगंधा, नोनी, ये न्यूट्रास्यूटिकल में आते हैं। और फंक्शनल फूड्स जो हैं वो है बड़े प्रोडक्ट, प्रोटीन या दूसरे सप्लीमेंट जिनको खाने की जगह लिया जा सकता है, ठीक है। हम अभी लार्जली न्यूट्रास्यूटिकल्स की मार्केट कहते हैं, और इंडस्ट्री 220 करोड़ की थी, ग्रोथ 20%, और 2019 और 20 तक के 610 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। 400 करोड़ में से कितना हिस्सा चाहिए? 400 करोड़ में से 400 करोड़ ऐड कर जाए ना 219-20 तक, और अगर अभी मैं लगाऊं तो ये करीबन कितनी पहुंच गई यार, ये देख, जरा देखो ध्यान से, आपकी मार्केट है, आपकी मार्केट है 100 करोड़ 200 2008 में थी, 180 करोड़ 2013 में हुई, और 220 करोड़ 2014 में हुई, और एस्टिमेटेड 400 करोड़ बाय 2018 में हो जाएगी, और 2019-20 तक ये 600 करोड़ तक पहुंच जाएगी। ये है इस इंडस्ट्री की ग्रोथ। और सबसे बड़ी बात ये है इस इंडस्ट्री के अंदर कि मिडिल क्लास, जिसके पास की फालतू पैसा होता है, जो अपनी सेहत की परवाह करना चाहते हैं, वो इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को खरीदते हैं। और ये मिडिल क्लास के लोग करीबन 40 करोड़ हैं हिंदुस्तान के अंदर,
क्योंकि करीबन काफी तेजी से 9-10% की रेट में बढ़ते जा रहे हैं मिडिल क्लास, क्योंकि गांव के अंदर से आगे भी लोग शहरों के अंदर बसते जा रहे हैं और मिडिल क्लास का हिस्सा बनते जा रहे हैं। गांव के होते हैं ना पास के गांव, जमीन बेची शहर में आके मकान बना लिया, बच्चों को पढ़ाया था वो नौकरियां करने लग गए या कोई MLM का बिजनेस करने लग गए। हो सकता है ऐसे कई लोग इजी वेज के अंदर भी आए हो सकता कहीं भी जा सकते हैं। और इस बड़ा अमाउंट जो है पैसा, इससे आप ट्रीट करेंगे लाइफ स्टाइल डिजीजेस डायरेक्टली, सप्लीमेंट ट्रीट करते हैं जिनको। लाइफ स्टाइल डिजीज क्या है? आजकल डिजीज का पैटर्न कहां शिफ्ट हो गया? लाइफ स्टाइल। मैं 8 घंटे कंप्यूटर पे बैठ कर काम करता रहता हूं, कुछ नहीं करता। अरे यार 8 घंटे, अचानक बॉस आया, ओ भाई आज एक बहुत जरूरी ऑर्डर आ गया शाम को, यार सुनो ऐसा है तुमको आज 2 घंटे फालतू लगाने पड़ेंगे, लो 8 के 10 घंटे हो गए। और मुझे मालूम है 1 घंटा घर वापस, 1.5 घंटा घर वापस जाने में भी लगना है, 10 घंटे और 1.5 घंटे, 11.5 घंटे तो यही गुजर गए। और मेरा कौन सी चीज चली गई? जो मैं व्यायाम करता था सवेरे उठ के वो खत्म हो गया। रात को 12 बजे 1 बजे सोऊंगा तो सवेरे कब उठ के व्यायाम करूंगा भाई? कब उठ के मैं हाथ पैर हिलाऊंगा? क्या होगा धीरे धीरे? क्या होगा धीरे धीरे? कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू होगा धीरे धीरे, मेरी धमनियों के बीच में कोलेस्ट्रॉल जगह तंग हो जाएगी खून के बहने की, धीरे धीरे मेरे शुगर के लेवल बढ़ जाएंगे, धीरे धीरे मेरी जो इम्यूनिटी है बीमारियों के खिलाफ लड़ने की, जो मेरे शरीर की शक्ति है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्या करूंगा फिर? क्या कर रहा हूं? सवेरे नाश्ता किया भगते भगते 8:30-9 बजे और उसके बाद दोपहर को काम के बीच में भगते भगते खाना खाया, वही जो ले गया था थोड़ा बहुत खाना, और यार नहीं तो फिर बाहर से कुछ मंगा के खा लिया। रात को आया 11 बजे खाना खाया, 11 बजे खाना खा के अगर मैं 12 बजे सो जाऊंगा तो क्या शरीर को लगेगा क्या वो खाना? वो खाने का तो गैस ही बन जानी है सारी, सारा खाना वो मेरे पेट को ही खराब कर देगा, सिस्टम ही खराब हो जाएगा मेरा, ना तो मेरे को खाना अच्छी तरह अब्जॉर्ब हुआ ना मेरे को स्वाद अच्छा लगा। इनको कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस। ये क्या हो रहा है शहरों के अंदर? ये लाइफस्टाइल डिजीजेस सारी की सारी बेघर कर रही हैं, सब पास आ रही हैं। आओ देखते हैं। और इन ये लाइफस्टाइल डिजीजेस की मार्केट लेने के लिए शोर मचा हुआ है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भैया, कहीं पर 125-30 करोड़ लोग मिलते रही है। USA में गया था, आधे आधे किलोमीटर के फासले के एरिया के अंदर लोगों ने स्टोर बनाए हुए हैं और वहां पे कितने लोग घूम रहे हैं? 20-25 कभी शनिवार वाले दिन 100, बस आधे किलोमीटर में 100 आदमी घूमता क्या नजर आएगा? दिखता ही नहीं है, ये हालत है। अब क्या लोगों को क्या नजर आया? अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को इंडिया नजर आया भैया, यहाँ पर मार्केट है क्या? नहीं है, फिर भी लाखों आदमी घूम रहे हैं। ये हालत है, इतने लोग हैं और उसके अंदर से करीबन 47% लोग जो हैं वो आप लोगों की उम्र के हैं, यंग, जिनको खाना भी स्वाद लगता है, जिनको नई नई चीजें चाहिए, नए नए कपड़े चाहिए, टाइयां चाहिए, कारें चाहिए, साइकिलें चाहिए, सब कुछ चाहिए। यंग, ये तो मार्केट हो गई है बहुत बड़ी। हर रोज तो एक नए बच्चे को नया एंड्रॉइड फोन चाहिए होता है, अरे पुराना हो गया ये वाला नहीं चाहिए मेरे को, दूसरा चाहिए। कोई हद नहीं है उसकी रिक्वायरमेंट है भाई, मजा आता है लेने का एंड्रॉइड फोन। यार मैं सच बता रहा हूँ, एंड्रॉइड फोन के बूढ़े ही आदमी एंजॉय करेगा। उसको एंजॉय करने वाले तो यंग होते हैं, फिल्में देखते हैं, व्हाट्सएप पे बातें करते हैं, फेसबुक देखते हैं, तरह तरह के मैसेज करते हैं इधर उधर, बड़ा मजा आता है उनको। एंड्रॉइड में सारा दिन लगे रहते हैं, घुसे रहते हैं उसके अंदर, एंजॉयमेंट है यार, कहाँ जाए, एंजॉयमेंट तो है ही नहीं, रह ही नहीं गई। ठीक है, इट्स वेरी गुड। तो ये लेकिन इससे ये मार्केट क्रिएट होती। आज करीबन हिंदुस्तान के अंदर कहां पर सैमसंग वाले अपना फोन इंपोर्ट करके इंडिया में दे रहे थे, आज इंडिया के अंदर कम से कम 25 फैक्ट्रियां फोन की लग रही है एंड्रॉइड फोन की। ये हालत, और फॉरेन कोलैबोरेशन से लग रही है, कोई चाइना से आ रहा है, कोई
कहीं इटली से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, सब जगह आके फटाफट अपनी कट्टियां लगा रहे हैं कि एंड्रॉयड फोन की मार्केट ही यहाँ तो खूब है, खूब बड़ी मार्केट है और यंग लोग बहुत हैं यहाँ पर, ये है। और इसके साथ साथ लेकिन आपकी मार्केट कहाँ बढ़ रही है, आपकी मार्केट के मजेदार ये है कि ये लाइफस्टाइल डिजीजेस जो है ये एलोपैथी को ट्रीट नहीं, एलोपैथी को रिस्पॉन्ड नहीं करती। आपको ठीक ठीक बताएं, एलोपैथी के अंदर इसका लाइफस्टाइल डिजीजेस का इलाज ही नहीं है, मेंटेन कर लेते हैं। डॉक्टर के पास कोई आदमी जाता है कहता यार हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कहता अच्छा भाई देखो हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, अब मैं ये गोली एक लिख रहा हूं, आप कुछ खाओ ना खाओ ये गोली नहीं। बोले ठीक भी होगा ये? कहते ठीक नहीं होगा। बोले तूने दवाई किस बात की दी है यार, ठीक क्या, गोली खाता रहूंगा ठीक रहूंगा, ठीक तो मैं कभी भी ना आऊंगा, डायबिटीज है, अच्छा ये गोली खा लेना, दो गोलियां खा लेना, एक सवेरे खाने से पहले और एक शाम को खाने से पहले, रोज खाते रहना जब तक जिंदा हो खाते रहना। यार क्या बात है, एलर्जी हो गई है किसी को, स्किन एलर्जी हो गई है, ये ऑइंटमेंट है, ये भीड़, यस, ये घर में बड़े बूढ़ों का ये हाल होता है, यस, ये कितना अच्छी लगती है चीजें खाने में, और फिर आता है ये दवाई, ठीक है जी, और फिर प्रोग्रेस ऐसे होती है कि पतले से लोग ऐसे आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। कहते हैं when you stop growing from both ends you stop start growing from the middle, मेरा भी खैर कोई बात तो मैं तो काफी बड़ा हो गया ना इसलिए मेरे को माफ हो जाती है। तो दोस्तों ये है जंक फूड, ओवरवर्क, सिकनेस, टेंशन, मेडिसिन, एक्टिव लाइफस्टाइल, ये सब चीजें आपको एक खास तरीके की बीमारी के आप शिकार बनाती हैं, उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। आपके लगातार आपके अंदर जहरीले कण बाहर की दूषित हवा से, बैलेंस खाने पीने का जब ना हो, व्यायाम ना हो, साफ हवा ना हो, आज के दिन में दिल्ली को क्या कहा जाता है कोई बोले, गैस चैम्बर, दिल्ली को गैस चैम्बर कहा जाता है क्योंकि इतनी ज्यादा है यहाँ पे ओजोन की क्वांटिटी, इतनी ज्यादा है यहाँ पे पार्टिकल्स हवा में तैरते हुए छोटे छोटे कण, धूल मिट्टी के, धुएं के, इतने ज्यादा है कि यहाँ पे सांस लेनी मुश्किल हो जाती है। ये है दिल्ली का हाल और ये दिल्ली के रहने वालों को मिलता है, ये फ्री 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 ऑफ जितना मर्जी जाइए बाहर, और अगर आप स्मोकर भी नहीं है शाम तक आपके लंग जैसे होंगे जैसे आप 8-10 सिगरेट पी के आए। ये है आपका हाल, स्मोकिंग करने की जरूरत नहीं है, लेडीज को भी करने की जरूरत है, कोई नहीं कह सकता मैं नॉन स्मोकर हूं दिल्ली के अंदर, कोई भी नहीं कह सकता, कोई लेडी कहेगी मैं नॉन स्मोकर हूं उसको शायद पता ही नहीं है कि वो कैसे स्मोक कर रही है। धुआं जो बाहर तैर रहा था वो किसने सूंघा भैया, आप नहीं सूंघा, सिगरेट पीते हो तो क्या करते हो आप, इसे धुआं सूंघते हो। ये है आपका हाल और सबसे पहला पॉइंट आपका, ये सबसे पहला सफाई करने वाला पड़ा, इसको सारी थेरेपीज, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है, किसी का पेट अच्छा नहीं होता, किसी को कोई प्रॉब्लम कुछ भी है साथ में लोअर, आपके जो यहां से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा यहां से शुरू होता है, अंदर छोटी आंतें आती हैं, ठीक है, यहां से लेकर एंड तक 24 फुट का, लेकिन डॉक्टरों ने इसके खोल के देखा, इसको खोल के देखा इसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस थे और इसके अंदर क्या क्या कितनी सरफेस थी, तो मालूम है कितनी सरफेस निकली जहां पे खाना इब्तिदार होता है, मालूम है वैसे लिख लेना और गूगल से क्लैरिफाई कर लेना,
5400 स्क्वायर यार्ड्स जगह निकली अंदर जहां पर खाना है स्क्वायर यार्ड 5400 स्क्वायर यार्ड अगर इंटेस्टाइन को खोल के उसकी सारी अब्सॉर्प्शन सरफेस को नापते हैं सारी अब्सॉर्प्शन सरफेस को नापते हैं तो वो टोटल मिला के अगर फैलाएं उसको तो वो 5400 स्क्वायर यार्ड या 4500 स्क्वायर मीटर ये एलोवेरा ये सारी इंडिवेज इज द नंबर टू सेलर ऑफ और लगातार एलोवेरा को लगातार सेल करने में दो ही कंपनियों का नाम माना जाता है एक मल्टीनेशनल कंपनी है एफएलपी और दूसरी आती है आपकी और आपके और उनके सेलिंग करने के अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं है बहुत ज्यादा फर्क नहीं है और क्वालिटी के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं है क्वालिटी कुछ नहीं कोई फर्क नहीं है सिर्फ दाम के अंदर ही थोड़ा सा डिफरेंस है और कुछ नहीं और एलोवेरा को जान लीजिए आपके पूरे सिस्टम को वॉश करने वाला और आपको बिल्कुल आपके सिस्टम को एकदम तंत्र को ठीक करने वाला पाचन तंत्र को कहते हैं बिल्कुल एकदम शांत कर देता है ठंडा शांत सफाई घर साफ हो जाता कैसा लगता है अच्छा लगता है ना बिल्कुल आपके पाचन तंत्र को भी जब सफाई बिल्कुल अच्छी तरह हो जाती है एलोवेरा जब आप लेते हो ऐसा ही लगता है ये है एलोवेरा की भूलिए मत ऐसे ऐसे जबरदस्त नायाब प्रोडक्ट आपके पास पड़े हुए मैं एक एक करके बताने जा रहा हूँ सिर्फ वो टॉप टॉप के बताऊंगा और उनकी खासियतें बताऊंगा ठीक है जी ये वैरायटीज हैं ये थोड़ा सा पार्ट इंग्लिश में है प्लीज डोंट माइंड इसके बाद मैंने कोशिश की है बाकी हिंदी में आ जाए ठीक है जी थोड़ा सा इंग्लिश में पार्ट है इसके अंदर 20 मिनरल 18 अमीनो एसिड और 12 विटामिंस एलोवेरा के अंदर होते हैं और इसके अंदर ग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो एलोइन और बार्बाटॉइन एलोइन और बार्बालॉइन ये दोनों हैं जो कि आपके पूरे सिस्टम को अच्छा करते हैं एलोवेरा का की खास बात ये है कि जिस भी कस्टमर को आप एलोवेरा दे उसको कहिए सर उम्मीद मत खोइएगा इसको लगातार महीने डेढ़ महीने दो महीने लीजिए आराम से लीजिए आप देखेंगे आपका सिस्टम कितना ठीक है बहुत अच्छा हो जाएगा आपका सिस्टम यह है इसकी खासियत एलोवेरा सुन लोग सोचते हैं कि एलोपैथिक दवाइयों की आदत पड़ गई एक गोली खाई बुखार उतरा और चलो आ गए एक घंटे के अंदर काम खत्म एलोवेरा वो नहीं है भाई एलोवेरा है कि आपका सिस्टम पूरा ठीक करेगा आपका सिस्टम ठीक होकर वो दोबारा अच्छी तरह ऑपरेट करना स्टार्ट करेगा और ऑपरेट करना स्टार्ट करेगा तो फिर वो सिस्टम पूरे पूरी बॉडी को ठीक करेगा याद रखो इस चीज हमारे प्रोडक्ट जो है आपके जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं वो एलोपैथिक दवाइयों वाले से थोड़ा सा सिस्टम अलग है वो आपको अच्छी तरह पता हो ठीक है जी आगे चलते हैं एलोवेरा जनरल टॉनिक ब्रेन टॉनिक या डाइजेस्टिव टॉनिक किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और अगली अच्छी प्रोडक्ट पे आते हैं एलोवेरा का आपको बड़ी अच्छी तरह पता है एलोवेरा मुझे सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे दो कि एलोवेरा का बहुत हाई सेलिंग एरिया क्या है कौन सा है किसी का एरिया का अगर बहुत हाई सेलिंग एरिया हो होता है आप एलोवेरा काफी ज्यादा बेच लेते हो अपने जहां पर भी ऑपरेट कर रहे हैं एलोवेरा ज्यादा बेच लेते हो कोई है एनीबडी हाँ जी बताइए आप कहां पर है पहले तो बताइए धनबाद के अंदर है अच्छा एलोवेरा अच्छा बिकता है आपके एरिया के अंदर एलोवेरा खासकर वहां पे किस इंडिकेशन के अंदर लोग खरीदना पसंद करते हैं कॉन्स्टिपेशन जोर से बोलिए कब्ज के लिए और गैस के लिए ये और कोई फीडबैक दो एलोवेरा की हमारे शरीर में आपके पेशेंट आपको रिपोर्ट करते हैं आपके अगर कोई जो भी जिन्होंने एलोवेरा खरीदा है उन्होंने क्या रिपोर्ट किया है आप एक्चुअली मेरे जो रिजल्ट्स आए हैं हमने जो देखे हैं बहुत इफेक्टिव साबित हुआ है मेरी टीम में खास करके पिछले 5.5-7 साल से इस डिवीजन में हूं मैं
जिन लोगों ने लगातार छः महीने कंटिन्यू इस्तेमाल किया है, विद इन थ्री मंथ उनको ऐसे रिजल्ट्स मिले हैं जो कि किसी भी मेडिसिन से उनको नहीं मिल पा रहे हैं। मेरी जो अपनी टीम में जो रिजल्ट्स आए बहुत ही जबरदस्त, वो हर एज के लोगों में, चाहे वो कम एज का कोई बच्चा हो, सपोज दैट एक साल दो साल चार साल के बच्चों में भी अच्छे रिजल्ट्स मिले मुझे, और चाहे वो पचास साल एवं साठ साल एवं के लोग, बहुत अल्टीमेट रिजल्ट्स आए हर एक डिजीज में, बहुत बेनिफिट्स मिले मुझे। मेरे कौन से एरिया के अंदर है आप? बाराबंकी, बाराबंकी लखनऊ के। यस, वेरी गुड वेरी गुड, तालियों दे। आगे आप कुछ बताएं, कोई और? हाँ, कोई और बताएं। एलोवेरा सबके एरिया में बिकता होगा, अपने अपने बताइए कि इस्तेमाल करते हैं तो लोगों को कैसा लगता है। हेलो हेलो, हाँ सर, हम इलाहाबाद से हैं सर। एलोवेरा का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, खासतौर से पेट के लिए। अच्छा, हाँ, बेसिकली जिन लोगों ने यूज़ किया उन लोगों ने बताया कि बड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। जो एक भारी पन था मेरे ख्याल से, वो टॉक्सिन निकलने की वजह से, ठीक है, वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एनीबॉडी, और कोई और कौन बताएगा एलोवेरा के बारे में? आप बताइए। फर्स्ट टाइम जब एलोवेरा का रेट मैंने देखा तो नेशनल कंपनी के हिसाब से मैंने सोचा कि रेट ज़्यादा लगा, और मैं पहले एफएलपी का लेता था तो उसके कितना रेट है हमारा? 999 का, तो उसका भी इतना ही था। मैंने सोचा इंडियन कंपनी है तो शायद सस्ता होगा जैसे अदर कंपनीज का होता है, तो मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ नहीं किया। मेरी टीम ने, कुछ लोगों ने यूज़ किया और मैंने उनको कुछ अपनी प्रॉब्लम भी बताई, उन्होंने कहा यार एलोवेरा यूज़ करो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा मतलब लगा कि यार हमारी कंपनी के एलोवेरा के इतना बड़े रिजल्ट आ रहे हैं। तो मैंने अपने फिर मदर इन लॉ को भी दिया अभी, तो उन्होंने कहा मेरा पेट जो पहले बहुत हार्ड रहता था और ये इतना सॉफ्ट हो गया है, बहुत अच्छा, यहाँ से कहीं एलोवेरा की डिमांड आ रही है, वहाँ से बहुत बढ़िया मतलब अच्छा रिजल्ट है हमारे एलोवेरा का। कोई एक्सपीरियंस एलोवेरा का, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करो क्योंकि सबने प्रमोट करना है वापस जाकर, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। मेरा नाम दिलीप कुमार है और मैंने दिल्ली से सोली से ब्लॉग करता हूँ, और अपने सिस्टर को दिया था, मेरे सिस्टर के पिंपल्स वगैरह निकलते थे चेहरे पे, काफ़ी परेशान रहते थे और बहुत सारी क्रीम्स यूज़ करते थे, जब तक क्रीम लगाते थे तब तक तो ठीक रहता था, लेकिन क्रीम छोड़ने के बाद फिर पिंपल्स वगैरह निकलना शुरू होते थे। तो जब से एलोवेरा, सिर्फ एक बॉटल लाया था हमने और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रामचंद्र मौर्य, महाराष्ट्र से। सर, एलोवेरा की तारीफ जितनी किया जाए उतनी कम है, यहाँ तक कि मैंने ऐसा कई पेशेंट बता सकते हैं जिनको बोला धात की शिकायत थी, उनको मैंने पहले मतलब कंफर्म कराया कि आपको कंटिन्यू तीन महीना कम से कम प्रोडक्ट मेरा यूज करना है तो लीजिए, वरना मत लीजिए, क्योंकि रिजल्ट नहीं आएगा तो आप बोलेंगे मैंने भी तो एलोवेरा यूज किया था, रिजल्ट नहीं आया, नाम नहीं खराब करने का। लेकिन सर हम आपको बताएंगे, हमारे पास दो चार पेशेंट ऐसे भी हैं जो ओनली फॉर एक महीने में टर्न अटर्न हो गया, बोले यार जब एकदम ओके हो गया तो अभी आगे क्या जरूरत है। डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट के ऊपर कितने की मिल जाती है? 845 की मिल जाती है। 825 की मिल जाती है। 825 की, 825 की कितनी डोज एक बोतल में निकल आती होगी? एक बार की डोज कितनी? 20 ml है? 15 ml, 20 ml, 15 ml क्या है? पूरी जिंदगी ले सकता है, होल लाइफ, बिना एक दिन भी छोड़े। ये आपके सिस्टम में ऑलमोस्ट हर बीमारी का इलाज करती है, आपके बालों को ठीक करती है, झड़ने से रोकेगी, आपके बालों को सफेद होने से रोकेगा, आपकी त्वचा को अच्छा रखेगा, आपकी आंखों का इलाज करेगा, आपके गले का सिस्टम, इसके अंदर विटामिन सी बहुत होता है, आपके नाक कान गला का गले का सिस्टम पूरा ठीक रखता है, उसके बाद नीचे आ जाएगी, फिर पाचन तंत्र को ठीक रखता है, दिल में से कोलेस्ट्रॉल कम करता है, फेफड़ों के अंदर से जितना भी आपका एलर्जिक रिएक्शन होना है उसको हटाता है, और नीचे आई पेट के अंदर से आपकी कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम को हटाता है, आपकी सर्कुलेशन को ठीक रखता है, और विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करके पूरे शरीर को आपके प्रोटेक्ट करता है। ये है जी आंवला।
कभी कभी सोचा कि आंवला वो चीज होती है? आप इसको क्या कहते हैं? महारसायन। हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा बिकने वाला आयुर्वेदिक प्रोडक्ट क्या है? आंवला। हुजूर जानिए, आपकी जेब में एक बार एक महाराजा था, और ये वो ये डायमंड है दोस्तों, कि जो आपको पता नहीं है कि आज इस टाइम पर सबसे ज्यादा बिकने वाला हिंदुस्तान में रसायन आंवला है भाई साहब। और कोई आंवले की रोज अगर सवेरे शाम अगर डोज ले लेता है तो कम से कम पेट खराब और जुकाम खांसी जैसी तो उसके बाद चीजें आती नहीं है। यह इसकी खासियत, अपने प्रोडक्ट को पहचानिए। और आपका प्रोडक्ट इतनी सारी चीजें ठीक कर सकता है कि एंटी डायबिटीज, एंटी अल्सर, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जॉन्डिस, कॉन्स्टिपेशन, यूरिन की प्रॉब्लम, माइग्रेन, हेमरेज, डायरिया, डिसेंट्री, इम्यून सिस्टम, बेस्ट एंटीडोट अगेंस्ट एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, यंग बना के रखता है आपको, आपका आपका जो यौवन है और आपका जो यंगनेस है उसको मेंटेन रखता है, ये है आपका आंवला। एक बात छोटी सी बताऊं, हम मल्टीपल कंपनी ज्वाइन करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक ही होता है, सेल डाल यार तेरा तुम चास सेल डाल यार, सेल डाल तेरा तुम चास की कब तक डालते रहो, कब तक? अपने से अपनी जो चेन है उसको रोकने का इंतजाम खुद ही करते हो। सेल डालो की सेल डालो, तीन डालो, चार डालो, पांच डालो, पूरा का पूरा चेन उठा लाओ उसकी, सारी की सारी ले आ, पूरा का पूरा ब्लॉक ही उठा ला, होता है ना? Yes. क्या किया हमने? सेल तो डाल ली, कमाई आज तो हो गई, कल इस महीने तो हो गई, अगले महीने कहां से लाओगे भैया सेल, है ना दोस्तों? अगले महीने की सेल का इंतजाम है, प्रोडक्ट लिख के दे देता हूं सबको, अगर प्रोडक्ट सेल नहीं करोगे तो एक जगह जाके गाड़ी रुक जाएगी। सेले डालना थोड़े देर के लिए तो मौज में रहोगे, सेले डल जाएगी, थोड़ी बहुत इनकम हो जाएगी। कोई बेचता है एक आध फोटो उन्होंने की देते हो? बताओ फिर, मैंने जान के कहा ये लोग तो आंवले से भी हो जाते हैं, उनको नोनी से अच्छा लगता है। अच्छा, और एक एक्सपीरियंस है नोनी का, और कोई? सर मैंने किसी को बेची नहीं है और मैंने खुद ही यूज नहीं किया, लेकिन मुझे कई लोगों से मिला कि ये नोनी बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, और अगर नोनी है तो हम मतलब इसमें आपके साथ आने के लिए तैयार। खास बात, और बताइए, आप बताइए। सबसे बड़ा सुपर एंटीऑक्सीडेंट है और नोनी के बहुत सारे रिजल्ट हैं, जैसे गठिया की प्रॉब्लम। आपके प्रोडक्ट के हैं? आपके प्रोडक्ट के हैं ना? आपने बेची है नोनी? बहुत बेची है। वेरी गुड, वेरी गुड, तालियां बजाएं इनके लिए। और कोई? डेड सेल को रिपेयर करता है, वेरी गुड, तालियां बजाएं इनके लिए, वेरी गुड। आप बताइए अपने एक्सपीरियंस, इसके बाद मैं आपको इंडिकेशन बताने वाला हूं कि नोनी को कहां इस्तेमाल करवाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, आप योर कॉलिंग मिलर तुम्हारी आंसर, बैठिए। और कोई? दोस्तों सिर्फ यही कह रहा हूं, मेरा यही कहना था कि आपके इतने बड़े ग्रुप के अंदर सिर्फ दो ही आदमी उठ के नोनी की बात करते हैं, क्यों? देखो जी, मैं लीडर्स के सामने खड़ा हूं, मैं कोई न्यू ज्वाइनर्स के सामने थोड़ी खड़ा हूं, मैं लीडर्स के सामने खड़ा हूं, और लीडर्स के सामने खड़े हो गए आपके एक प्रोडक्ट ऐसी जबरदस्त,
जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत मानी जाती है, हवाईन आइलैंड से चली थी है। हवाईन आइलैंड पे ना इसके फ्रूट्स को कोई खाता नहीं था, फेंक देते थे कूड़े के अंदर। लेकिन जब उन्होंने उसको खाना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि ये तो एंजॉयमेंट ही डबल हो गई। ये पूरे बॉडी की दर्दों से लेकर एंजॉयमेंट तक, सेक्स एंजॉयमेंट तक और पूरे बॉडी को ठीक करने तक सब कुछ करता है इन्होंने। इतना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और इतना अच्छा प्रोडक्ट है ये। और आपके जितने भी आर्थराइटिस के पेशेंट हैं उनको आर्थराइटिस पैक के साथ दोनों दे दोगे तो डबल इफेक्ट मिलेगा। लिख लो, आर्थ्रो पैक है ना आपका, उसके साथ नोनी जरूर दें। आर्थ्रो पैक के साथ अगर नोनी देंगे तो 100% इफेक्ट मिलेगा, 100%, क्योंकि सोजन भी दूर हो जाएगी नोनी से। जैसा मैडम ने बताया शियाटिका के अंदर और बैक पेन के अंदर, बिल्कुल ठीक है, ये इंडिकेशन हैं नोनी की, बिल्कुल यही इंडिकेशन हैं। किसी को शियाटिका है, किसी को बैक पेन है, लगातार पीठ दर्द होती रहती है। कई बार कई लोगों को पीठ लचकती, बहुत जल्दी लचकती है लोगों की पीठ, तो ऐसे में ऐसे लोगों के लिए नोनी बहुत काम आता है। आर्थ्रो पैक के साथ तो स्पेशली जिसको कि छोटे छोटे जोड़ों के अंदर दर्दे हैं, आर्थ्रो पैक के साथ नोनी का तो जवाब ही नहीं है भैया। इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, लिख लो ये फॉर्मूला बता रहा हूँ। क्योंकि आप अगर देखो MLM के अंदर आपने बोला और इफेक्ट मिला, और वो आदमी जिसको इफेक्ट मिला ना अपने साथ 10 आदमी को और लेके आएगा। याद रखो, अगर आपने किसी को प्रोडक्ट में नोनी देने लग जाओगे, और एक दिन के अंदर 50 ml तक ले सकता है। सवेरे भी सवेरे 10-15 ml ले ले, दिन में रोमेटिक दर्दें कम होती हैं, शाम को ज्यादा होती हैं। सवेरे 10 ml ले ले, शाम को 20 ml ले ले, खत्म हो गया काम। तो रूट है तो क्या है, पोलियो। इंडिया पूरे वर्ल्ड के 20 कंट्रीज को देखा गया कि जिनमें सबसे ज्यादा पोल्यूशन है, 20 में से 13 जगह इंडियन की थी, इंडिया 20 में से 13 शहर इंडिया के थे, और जिसमें दिल्ली के सारे महानगर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, ये सारी जगह कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन सारे के सारे हाईली पोल्यूटेड जगहों में से आते हैं। ये है पोल्यूशन का हिसाब, और इस पोल्यूशन का एंटीडोट पोलियो। और ये पोलियो को खासकर इस तरीके से शिद्दत के साथ बनाया गया है कि एक एक प्रोडक्ट छांट छांट के, जिसका कि बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट वो दिया गया है। आप इनके हिंदी में भी लिख दिए मैंने, बायोप्रिंट काली मिर्च, कोकुम, रतांगी, शिलाजी, काले जीरे का सत्व, अंगूर के बीज का सत्व, अनार, तिलकुमारी, एलोवेरा, नोनी, आंवला, गोजी बेरी, हरी चाय का सत्व, करौंदा, ये सब चीजें इकट्ठी मिलाकर दी गई हैं ताकि एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आपके सामने हो। एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी बूस्टर, और स्किन के पेशेंट को, अस्थमा के पेशेंट को, एलर्जी के केसेस हो, सोरियासिस के केसेस हो, जिन जिन लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम्स हैं, सब लोग इसको आराम से ले सकते हैं और ये उन सबको फायदा पहुंचाएगा। इवन नॉर्मल आदमी जिसको कुछ नहीं है और सिर्फ वो दिल्ली की पोल्यूशन से परेशान है, इवन वो भी एक दिन की डोज के अंदर ही शाम तक पता लग जाएगा कि आज मैं थोड़ा सा फ्रेश महसूस कर रहा हूँ, यार ये बात क्या है यार। क्योंकि ये वो प्रोडक्ट है जो डॉक्टरों के पास, जो एलोपैथी की दवाइयां लिखते हैं, उनके पास भी कोई डाइजेस्टिव एंजाइम आज मार्केट में नहीं है। साफ जान लीजिए, उनके पास आज किसी भी पेशेंट को, सुन लीजिए बात, कहानी, किसी को डायबिटीज हो गई। अब डायबिटीज होकर क्या होता है कि ब्लड के अंदर शुगर सारी की सारी, वो कोशिकाओं में नहीं लग रही शुगर, क्योंकि इंसुलिन नहीं है, कोशिकाओं में लगने की जगह वो खून में घूमती जा रही है।
अब ब्लड खून में घूमती जा रही है और कोशिकाओं को नहीं लग रही, तो वो जो कोशिकाओं को नहीं लग रही तो कोशिकाओं को लगेगा कि भूख लगी है, कोशिकाओं में ग्लूकोज की कमी होगी तो फिर लगता है भूख लगी। अब जब पेशेंट खाना खा लेता है तो सिस्टम को खाना चाहिए नहीं। यहां ऐसा होता है, एक डिपार्टमेंट मांग रहा है और एक डिपार्टमेंट कह रहा है मुझे नहीं चाहिए। सिस्टम को खाना में शुगर घूम रही है और आपका पेट कह रहा है और खाना दो, आप खाना खा लेते हो, पेट कहता है मैं तो नहीं अब्सॉर्ब करता, खाना चाहिए ही नहीं। अब वो खाना क्या होता है, पेट में ही पड़ा रहता। अब पेट में जब ज्यादा देर तक खाना पड़ा रहेगा, पेट अपना काम उसको पीसने का चक्की करती रहेगी, चक्की के साथ साथ वहां पे झाग बनती रहेगी, वहां पे एसिड निकलता रहेगा, तो ऐसे में क्या होगा, खट्टी डकारे निकली, ऐसे लगेगा खाना छाती में ही रखा हुआ है, नीचे ही नहीं जा रहा। पेशेंट कहता है यार खाना, डॉक्टर साहब खाना खाता हूँ तो पता नहीं दो ढाई घंटे तक। आप अपने अपने एक्सपीरियंस बताइए, कैसे कैसा लगा, किसको बेचते हैं और कैसे क्यों बेचते हैं? अनाउंसमेंट की थी सर, ये प्रोडक्ट बहुत ही कमाल का है, इसका रिजल्ट जो है विद इन 15 मिनट आफ्टर 30 मिनट आप किसी भी प्रकार के ब्लड प्रेशर लेवल को चाहे वो हाई हो या लो हो, बहुत ही बेनिफिशियल है। और मैंने ऐसे पेशेंट्स के डॉक्टर्स के साथ में इस प्रोडक्ट को ट्राई किया जिनका बीपी लोअर में, मैंने 65 लो बीपी पेशेंट्स को जिसको बिल्कुल अचेत हो रहा था, उस बंदे को मैंने लेडी थी तीन ढक्कन उसी के जो हमारा जो बीपी के उसको दिया और विद इन 15 मिनट जो लेडी नींद में जा रही थी यानी कि बिल्कुल बीपी लो हो रहा था उसको हमने बिल्कुल कंप्लीट किया। और इसके अलावा 220 ब्लड प्रेशर लेवल था लेडी का और हैबिचुअल बीपी पेशेंट थी और कई सारी टैबलेट्स उनको लेनी पड़ती थी क्योंकि उनका बीपी लेवल नॉर्मल नहीं होता था। हमारे बीपी क्योर ने कमाल किया, विदिन 15 आफ्टर 30 मिनट मैंने पहली बार उनकी रीडिंग की, ये तो पता ही था और वो हमारे साथ ज्वाइन भी बंदा, तो उनकी वाइफ को ये प्रॉब्लम थी तो 200-220 एवरेज उनका हमेशा बीपी रहता है, किसी भी मेडिसिन से वो ठीक नहीं हो रहा था। बीपी की ओर हमने दिया और जस्ट बीपी मशीन भी रखी हमने और रीडिंग करते रहे हर 15 मिनट पर और हर 15 मिनट पर उसको रीडिंग मिलता गया और अगले 30 मिनट के अंदर अंदर उसका बीपी लेवल एवरेज सामान्य हो गया, 160 हो गया। इनका 200 से ऊपर बीपी था और उनके पास विकल्प में एलोपैथ की हमेशा दवा लेते थे लेकिन उस समय उनके पास कोई भी दवा नहीं था और हमारे बगल में रहते थे। उन्होंने कहा कि जरा बीपी नापिए, जब मैंने उनका बीपी नापा तो 200 से ऊपर था और बहुत ही ऐसा कंडीशन था कि हो सकता था कि उनका ब्रेन हैमरेज कर जाता। मेरे पास ये हम लोग अपने यूज के लिए रखे हुए थे, उन्होंने उसे 15 ml निकाल करके पीने को दिया और 10 से 15 मिनट में वो नॉर्मल रेंज में उनका बीपी आ गया। दोस्तों ये हालांकि हमारे पास दो सिर्फ एक्सपीरियंस है यहाँ पे और किसी का एक्सपीरियंस है आपका, बहुत ज़्यादा लो हो जाता था, ठीक है, तो उसमें क्या रहता था कि बीपी का जो पोजीशन था वो 50-70 जो कि बहुत ही क्रिटिकल है उस स्टेज पे आ जाता था। तो 20 दिन पहले सर मैंने इसको शुरू किया था तो तकरीबन 20 ही दिन बीते हैं, आज तक उसका बीपी अभी तक डाउन नहीं हुआ है। अगर ओमेगा 3 और गार्लिक अगर साथ में बीपी की और केयर के साथ कंबाइन कर देते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर और भी अच्छा कंट्रोल हो सकता है, हो सकता है पूरा ही ठीक हो जाए। जो ये कोलेस्ट्रॉल जमता है इसको जमने से रोकता है, तो ये चीजें ऐसी हैं जो कि आपको फर्दर अच्छा होने की तरफ लेके जा सकती है। और एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए आज मेरा पहला सेशन है आपके साथ, मुझे बहुत मजा नहीं आ रहा क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में आप जानते ही नहीं हो, आप अपने तो ज्वाइनिंग कराई है, आपने प्रोडक्ट की तो बात ही नहीं करी है किसी।
बीपी के साथ, इसलिए मुश्किल से दो चार पाँच आदमी बता रहे हैं। जितना आदमी है सब पढ़ा, कब फंक्शन होने जाए, आप बोल रहे आपसे अच्छा खींच रहा है ना, आप क्या बोल रहे हैं? देखिए जी, ऐसा है कि मैं कोई नॉलेज टेस्ट करने नहीं आया हूँ, आपकी अच्छी नॉलेज है तो ऐसा नहीं है कि मैं टेस्ट कर रहा हूँ। हम लोग कुछ जानता नहीं, आपको ज्यादा जानता है, उसके आड़ आपसे सीखता है। तो सीखे तो डिस्कशन कीजिए ना दादा, डिस्कशन नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो ऐसा है, अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में अगर अच्छी तरह पता है, देखिए अगर पता है तो डिस्कशन करेंगे तो और पता लगेगा। मेरे अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ ऐसे आदमी को कोई डाइटरी चेंज नहीं करना, उसके डाइट में कुछ एस्पर्विना मत डालिए, कुछ भी और मत डालिए, कुछ मत करिए। ऐसा है, ये पेशेंट का हिस्ट्री होनी चाहिए कि इसने या तो पुराने टाइम पे बिस्की पी होगी ज्यादा, इसका इसीलिए फ्लक्चुएट कर रहा है, और एक मेडिसिन के साथ इसको प्रॉपर इफेक्ट नहीं हो रहा हो, ठीक है जी। अगर आप जैसे बीपी केयर इसके साथ जोड़ते हैं, और साथ में जैसा निशा साहब ने बताया गार्लिक मॉर्निंग में खाली पेट उठ के और ओमेगा 3 ऐड करते हैं, तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि विद इन फर्स्ट 3-4 डेज चेंजेस आपको महसूस हो जाए, 3-4 डेज, दैट्स ऑल। आपको लिखित रूप में दे सकता हूं कि 100 में से 50 पेशेंट्स जिनके लिए बीपी की मेडिसिन स्टार्ट होती है वो सेक्स पावर उनकी नीचे, ये सब के साथ। और ऐसे में फिर उनकी लाइफ जो है बड़ी डल हो जाती है, वो बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो वो कहते हैं यार मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो ऐसे में ऐसा करते हैं कि जब आप किसी कोई भी आदमी को ले रहा है तो ये ऐसा है कि ये प्रोडक्ट आपको सिर्फ इफेक्ट नहीं साइड इफेक्ट भी देगा। हम आपके पास आए हैं कि आपको इफेक्ट के साथ साइड इफेक्ट ना हो, तो जब आप साइड इफेक्ट नहीं होने देंगे उसके, तो जैसे बीपी का केस है, बीपी के केस के अंदर आप बीपी केयर दे दीजिए, इससे साइड इफेक्ट नहीं होंगे और आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे। आपके डायबिटीज का केस आता है, उसमें करेला जामुन देते हैं, करेला जामुन की मिनिमम डोज 7 लगा देंगे तो उसकी शुगर फ्लक्चुएट करनी ही बंद हो जाएगी। तो यार मजा आ गया तो और क्या चाहिए, नहीं तो पहले तो हालत ये थी कि मैं और कभी फिर शरीर कमजोरी महसूस करता था और शुगर देखता था तो फिर वही ज्यादा आती। तो ऐसे में करेला जामुन साथ लगाएंगे उसका भी, वो जैसे बीपी के साथ बीपी केयर है, वो डायबिटीज के साथ करेला जामुन, इस तरह के इफेक्ट है आपके पास। तो है एसेंशियल हाइपरटेंशन और पता है नॉन एसेंशियल हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन ही सबको मैक्सिमम केसेस के अंदर होता है, नॉन एसेंशियल तो बड़े अलग अलग केसेस के अंदर होता है। तो अगर किसी को जेनेटिक हो सकता है तो नॉन एसेंशियल हो सकता है उसको, कि कभी किसी को पैदा होते ही ब्लड प्रेशर है, वो केसेस आपके पास नहीं आएंगे, वो तो डॉक्टर ही देख रहे। आपके पास तकरीबन वो केस आएंगे जो कि 40-41 साल की उम्र में आके ब्लड प्रेशर रहना शुरू हो जाता है, आपके पास वो केसेस आएंगे, तो उनके लिए ही है ये बीपी केयर, ठीक है जी। क्लियर है, समझ गए, ये आपको पता था, वैसे आपने जान के हमसे पूछा, कोई बात नहीं, हमने बता दिया। बोरमिट से मैंने यूज किए, और इवन मैंने अपनी कंपनी इसी वेज के भी एलोवेरा और ओलियो, तो वो भी मैंने यूज किए, बट मुझे मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिला। कब रात भी लिया मैंने साथ में, बट नो मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिला, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। बट मुझे ऐसा लगा कि शायद ये प्रॉब्लम पुरानी है, इसलिए दूसरी कंपनियों से भी नहीं हुआ, तो इससे धीरे धीरे। तो एवरी डे मतलब 3 बार मैं खाना खाता। अच्छा ठीक है। और कब्ज ना आपको बता, तो कब्ज क्रॉनिक प्रॉब्लम होने के कारण कई लोगों की इतनी जबरदस्त होती है कि वो ठीक जल्दी से हो नहीं पाती। तो आपको एक अलग सा इलाज बता देता हूँ, आप सबसे पहले
ऐसा कर लो कि कब रहा चूर्ण वगैरह अगर ये भी लेते हो तो साथ में ये सब गोल भी ले लिया वो मैंने सब ले लिए मतलब बहुत 10 साल हो गए लगभग ये ट्राई करते हैं मतलब आपको फिर भी कब्ज की शिकायत है इस ठीक है फिर लुब्रिकेट लेते रहो यार मैं आपको बताता हूँ हमारे पास एलोवेरा और कब्ज ये कहते हैं इन चीजों से इनको कोई असर नहीं कैसे ले रहे हो आप बताओ एलोवेरा और रात को सोते समय गर्म पानी से कब लेते कब्ज रहा एलोवेरा किस वक्त लेते मॉर्निंग टाइम एलोवेरा खाना खाने के एक घंटे बाद शाम को 30 से 50 ml 60 ml अगर नहीं हो रहा इसकी डोज बढ़ाने शुरू पानी पियो सबसे पहले और उसके बाद गुनगुने पानी से कब्ज राहत सुबह सुबह ही हाँ सुबह की बात कब्ज राहत सुबह लेना है रात को क्या लेना है एलोवेरा और इस डोज को थोड़ा बढ़ाना शुरू कर दीजिए पानी पूरे दिन में जितना इनटेक कर सकते हो करो हफ्ते भर में प्रॉब्लम ठीक हो जानी चाहिए इसको तला हुआ खाना खाने से पहले जो प्रोडक्ट बताया था आफ्टर डाइट खाना खाने के फौरन बाद उसको लेना शुरू कर दें कोई भी खाना जो आपको लगता है ये पचेगा ही नहीं आफ्टर डाइट उसे चूरा बना देगा चूरा मतलब जिसको ये प्रॉब्लम है कि खाना दिक्कत है और पेट खराब है आफ्टर डाइट के सामने तो कुछ टिक ही नहीं सकता आफ्टर डाइट एक ना तो आप इतनी जबरदस्त चीज़ है कि खाना आफ्टर डाइट खाली पेट नहीं लेना है खाना खाने के फौरन बाद है चालीस पैंतालीस की उम्र के अंदर अभी तक तो हम कंडीशन ये है कि 53% लोगों को 45 ईयर्स के एज के बाद आ रहा अभी तक की कंडीशन तो ये है बस ये है देखिए जी आप कुछ भी करेंगे लेकिन पर्यावरण को तो नहीं बदल सकते अब क्या करें उनके टाइम पे पर्यावरण ही ऐसा था साफ हवा थी खाने पीने की चीज़ें प्योर थी अच्छा था सब कुछ सब्जियां वगैरह अच्छी खाते थे बहुत ज़्यादा हैं तो आप आराम से इसको सेल कर सकते हो देखिए जी आपका अच्छा खासा अगर आप लीडर हैं और आपका ग्रुप है तो ग्रुप को क्लियरली मैसेज जाना चाहिए कि हर महीने ज्वाइनिंग नहीं आएगी आपको जब ज्वाइनिंग नहीं आएगी तो एक कंसिडरेबल वॉल्यूम आपका प्रोडक्ट सेल के थ्रू बनना चाहिए तभी चलेगी यार एमएलएम मैं रियली बता रहा हूँ अगर एमएलएम कर रहे हैं सारे के सारे लोग तो ये क्लियर होना चाहिए कि प्रोडक्ट सेल होगी तो काम चलेगा नहीं तो नहीं कैसे चलेगा यार ठीक है ना सर एक सवाल था करिए करिए सर जो सिरप है या टैबलेट है बहुत ज्यादा है तो उसको मेडिसिन के साथ ये दे दो तो पूरी कंट्रोल में हो जाएगी हाँ मेडिसिन जो बिल्कुल 100% ये तो प्रोडक्ट ही ऐसे है यार कोई जो भी वो एलोपैथिक दवाई ले रहा है एलोपैथिक जो दवाई ले रहा है और फिर भी कहता है कि कंट्रोल नहीं होती शुगर साथ में ये दे दो अच्छी कंट्रोल और बिल्कुल इतना गारंटी करता हूँ कि मेडिसिन उसके साथ कंबाइन करेगा और अपने ब्लड शुगर सवेरे शाम नापे खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद उसको साफ फर्क महसूस हो हम इतनी गारंटी के साथ कहते हैं ये प्रोडक्ट ले पहले उसको क्या हो रहा है कि वो एलोपैथिक दवाई ले रहा है वो एलोपैथिक दवाई लेता है लेकिन बीच में उसकी शुगर फिर बढ़ जाती है ठीक है अब वो उसके बाद क्या करेगा कि एलोपैथिक दवाई लेगा साथ में ये भी लेगा फिर खाना खाएगा और फिर शुगर चेक करे गारंटी का लिख देता हूं कि आप इंस्ट्रूमेंट के साथ चेक करके बता देता हूं कि आपको शुगर जो थी उसकी पहले आ रही थी उससे कम मिलेगी आपको जी मैंने कहा आफ्टर डाइट होता है खाने के बाद पोस्ट प्रांडियल कहते हैं तो अगर खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद थोड़ी थोड़ी हाई है 10-15-20 हाई है अगर लिखवा लो मेरे से वो तो इसी से ही ठीक हो जाएगी कुछ करने की जरूरत नहीं है एलोपैथिक दवाई को हाथ ही लगाने की जरूरत नहीं
इसी से ठीक हो जाएगी। पहले इसको खा के और अपनी नॉर्मल डाइट लेकर और शुगर चेक करके देख ले, कंट्रोल हो जाती है, अगर नहीं होती तो फिर उसकी मेडिसिन ले। लेकिन इतना यकीन है हमारे को कि अगर थोड़ी सी शुगर हाई है, ज्यादा नहीं हाई है, एज रिलेटेड है, तो इसी से ही ठीक। अगर ज्यादा है, जैसे कई लोगों को, जैसे मेरी वाइफ को मैं बताता हूँ, उसको शुगर एकदम जिस दिन चेक की उसको 345 लगी। मार्केट के अंदर ज्यादा ऐसे टॉनिक नहीं आते हैं, कंपटीशन में ज्यादा ऐसे मिलेंगे नहीं आपको टॉनिक, इसलिए इस चीज से तो फायदा उठाओ है, बेचो मार्केट से, खूब बेचो, लोगों को प्रमोट करो, छोटे छोटे बच्चों को आजकल लोगों को पता ही लगता मेरा बच्चा डल सा क्यों है, मामों से पूछो जाके, मदर से पूछो मेरा बच्चा डल क्यों है, कुछ खाता पीता नहीं है, पढ़ता भी नहीं है, शरारते ज्यादा करता है, चिड़चिड़ा भी रहता है, क्या करोगे? आपके पास है जी, ठीक है जी, देख रहे हैं, और पार्ट टाइम में अपना प्रैक्टिस भी करते हैं। उन्होंने अभी एटलीस्ट 2-3 महीने पहले हमारे 12 मनसी पे ऑफर था 2+1 का, तो 6 पैक उन्होंने उससे मंगवाया 12 की से, और हमने उनको भेजे वहाँ पे, तो उन्होंने एक ऐसे बच्चे के ऊपर उस प्रोडक्ट का एक्सपेरिमेंट किया है, चमका दे रहा है, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है मैं कहूँगा, और उस टेस्टिंग सर के सामने मैं अगली मैगजीन में और उसकी वीडियो क्लिप सर को दूंगा। 5 साल के बच्चे की उम्र थी तकरीबन, और वो जन्मजात बच्चा बोल नहीं पाता था और अपंग था पूरे शरीर से, और मनस्वी के कमाल का रिजल्ट आया है, बच्चा बोला भी है, चिल्लाता है वॉस डेट में और दौड़ता भी है, ये कमाल का रिजल्ट है, आपके धन्यवाद, बहुत रिजल्ट। और एक रिजल्ट अभी हाल ही में 2 महीने पहले की बात है, मेरी मंझली बहन की बिटिया है 2 साल की, इस सब लोगों ने बोला कि छोटे बच्चों को दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है, मेरा बच्चा 1 साल का है, मनस्वी कांटे में उसको दे रहा हूँ, तो ये जो झटके वाली शिकायत होती है, दौरे की जो शिकायत होती है सबके बच्चों में, तो 1 महीने से लगातार उस बिटिया को जो है ये ऐसी दिक्कतें आ रही थी, झटके की शिकायत हो रही थी, तो हमने मनस्वी उसको रिकमेंड किया। हाँ, 3रे-4थे दिन ये प्रॉब्लम होती थी, 1 मनस्वी अभी हमने उसको दी है, अभी परसों मैं दूसरी मनस्वी उनको दे के आया हूँ, अभी वैसे इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, और एलोपैथ की मेडिसिन उसको काफ़ी सारे उन्होंने दी, ड्रॉप्स और सारी चीज़ें डॉक्टर से सजेशंस लिए, लेकिन वैसे उससे रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन मनस्वी का ऐसा कमाल का रिजल्ट आया है जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और खुद हाईलाइट कर रहा हूँ मनस्वी को, मैं एक कमाल का रिजल्ट है मनस्वी का, बहुत शानदार, थैंक यू। दोस्तों आगे चले, नहीं हो पा रहा था, कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसे ही आप लोगों की तरह किसी ने उसको दिया, मैं ये बात इसलिए जानता कि वो बच्चा फिर ऑफिस आया हमारे, जब वो ऑफिस आया तो नॉर्मल था, मगर उसे कहा कि 1 साल तक ये बच्चा तो बोला ही नहीं, फिर किसी ने उसे रिकमेंड किया मनस्वी और ओमेगा 3, ये 2 प्रोडक्ट की वजह से वो बच्चा जब 1 महीने बाद लेते लेते वो नॉर्मल हुआ और बोलना शुरू हुआ और एक बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ आ चुकी है। हमारे सामने था और उस बच्चे को जब मैं मिला तो मैं हैरान रह गया, मैंने कहा ये बच्चे कहते हैं कि कुछ ऐसी कोई चोट लगी उसे, उसको गुम चोट बोलते हैं, जिसकी वजह से 1 साल तक पूरा गांव उस बच्चे के लिए जब वो बोला तो वो बोलते मतलब ही दे आर वेरी हैप्पी, और उन्होंने हमारा प्रोडक्ट बहुत बहुत ज़्यादा आज के डेट मनस्वी, आप जानते हो कि ये हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, इसी बेस के पहले 5 प्रोडक्ट में से आता है, तो नो डाउट आपके पास एक्सपीरियंस है और बहुत लोगों के पास इसके एक्सपीरियंस है, मेरी खुद की भतीजी भाई की बेटी वही एक्सपीरियंस है जो आप लोगों का हुआ कि उसका परसेंटेज बहुत बढ़ गया, वो
बहुत एक्टिव हो गई, बहुत अच्छी हाइट बढ़ रही है उसकी। तो ये सारे रिजल्ट हैं और हर एक के पास है, इसके लिए एक बार डायबिटीज एक ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के बाद मोटापा होने वाली एक और एपिडेमिक फैल रही है और लाइफस्टाइल के अंदर हर एक आदमी ऑलमोस्ट 60% लोग मिडिल क्लास के शहरों के अंदर ओवरवेट है और ये ओवरवेट की जो प्रॉब्लम है और ये बढ़ती ही जा रही है। जिसको भी 3 टाइम की पूरी पूरा खाना मिलना शुरू होता है मोटा हो जाए, स्मोकिंग सिगरेट पी रहे हो रोकोगे वेट बढ़ जाएगा, दवाइयां, हेरिडिटी, फैमिली, डेमोग्राफिक फैक्टर, एज, जेंडर सब चीजें हो सकता है आपको मोटापे का शिकार बनाए। आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में और ये है आपका लाइफ का साफिदा। पुराने टाइम पे समोसे टिक्कियां होते थे यार, आजकल बर्गर हो गए और क्या हो गए, ईद हो गए ये ना। पुराने टाइम पे अगर कोई भी यहाँ बैठा हो तो पहले हमारे टाइम पे होते थे समोसे टिक्कियां खा लेते थे, पकौड़े खा लेते थे, वो भी वही हाल था। अब बर्गर हो गए और क्या हो, देख लो सामने बैठ के कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, बैठ के टीवी का रिमोट पकड़ा और काम करना शुरू और मोटे होना शुरू। और इसके लिए आज वर्ल्ड मार्केट के अंदर बहुत थोड़ी सी कंपनियां लेके आई हैं और कैलकुलेट ओवरवेट कैलकुलेशन अगर करनी है ये फार्मूला है, नोट कर लो, ये फार्मूला है नोट कर लो, BMI बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स अगर कैलकुलेट करना है वेट डिवाइडेड बाय हाइट, मीटर में होनी चाहिए हाइट, हाइट मीटर में होनी चाहिए, तो मीटर में कैलकुलेट कर लो, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, देखिए कन्वर्ट हाइट टू इंचेस, 70 इंचेस 1 फुट 12 इंच का होता है और इंचेस को 339.3701 से डिवाइड कर लो मीटर आ जाएंगे। अब बाकी बचता है कि हमारा ये कोर्स कैसे काम करेगा, आप एलोवेरा और ये वाला दोनों लेना शुरू करो, 3 प्रोडक्ट आपके चलेंगे स्पायरुलिना, एलोवेरा और ग्रीन कॉफी, और आप देखेंगे कि 40 दिन के अंदर आपके पास मिरेकल रिजल्ट होंगे, मिरेकल। मगर जिसको आप दे रहे हो अगर खुद आप यूज नहीं कर रहे हो, किसी को दे दिया तो आप उससे बोलोगे भैया एक को नहीं बढ़ा दिया खाने का, पता चला कि शादियां और पार्टी में जा रहा और खाना खा रहा और फिर कह रहा है जी मुझे तो फर्क नहीं पड़ा। ये जरूर ध्यान रखना है क्योंकि शरीर में आना भी नहीं चाहिए ज़्यादा, अगर आप अपनी डाइट पे कंट्रोल नहीं करोगे या जिसको आप दे रहे हो उसका कंट्रोल नहीं करवाओगे तो कंट्रोल, ये 100% रिजल्ट है, साइंटिफिकली प्रोडक्ट है, ये डॉक्टर साहब बता सकते हैं, मतलब अपने प्यारे साहब बता सकते हैं इस बात को कि ये किस तरह से काम करता है, ये तरह से वेट तो कम हो जाता है सर, लेकिन प्रोडक्ट कुछ टाइम बाद छोड़ने के बाद फिर से वेट गेन हो जाता है क्या? हाँ बैठो, बता दो ये कौन लेगा, ले लो क्या? हाँ इन्होंने मेरे से पूछा, बड़ा अच्छा सवाल किया वो ये कि एक बार वजन कम तो हो जाएगा लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट छोड़ेंगे फिर बढ़ जाएगा, बात भी ठीक है, देखो ऐसा है कम तो कर लो, बढ़ाना आपके हाथ में, फिर आपको पता लग जाता 3-4-6 हफ्ते के बाद कि क्यों बढ़ रहा था ये, तो इसलिए बहुत एक आराम करने का सिस्टम और एक काम करने का सिस्टम।
जब काम करने के सिस्टम में आराम करने की चीजें हम लेके आएंगे वो काम नहीं करेंगे। अगर आप चले कहें कि आप बकते बकते किताब पढ़ने लग जाए, नहीं पढ़ा जाएगा। एक आध अक्षर पढ़ लोगे लेकिन लगातार नहीं पढ़ पाओगे, बकते बकते किताब नहीं पढ़ सकते। तो वही बात है, आराम करने वाले के सिस्टम में आराम करना पड़ेगा। सेक्स हमारा आराम करने वाला सिस्टम, या तो वो प्रोडक्ट एलोपैथ से आ रहे हैं या इतने गलत तरीके के प्रोडक्ट हैं कि उसके बाद आप इंस्टेंट तो एक्साइटमेंट देखते हैं, उसके बाद मगर आप 100% खेल से बाहर हो जाते हैं, मतलब आप जिंदगी से ही कई बार बाहर हो जाते हैं। तो क्लीन ये प्रोडक्ट जो है, दिस इज नॉट ए व्याग्रा कि ये इंस्टेंट आपको देगा। ये अभी हमने जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया उसमें ऑयल भी हमने रखा है, ये प्योर आयुर्वेदिक और जो बादशाही फॉर्मुलेशन थी ये उसको हमने लेके आए हैं। अगर इसको नोनी के साथ दें, ये एक रेगुलर टॉनिक है, रेगुलर, ये ऐसा नहीं कि आप इसे आज लें और बस आज के लिए है, ये रेगुलर टॉनिक है। हेलो नोनी के साथ, नोनी भी जैसे हनी फूड कहा जाता है उसे फूड कहा जाता है, दोनों प्रोडक्ट को साथ चलाइए। हमने जब ये स्टडी कर रहे थे, प्रोडक्ट आ रहा था, तो हम इसको देख रहे थे कि अगर इसको रेगुलर आप यूज़ करते हैं विद नोनी भी आप लें और इसको भी लें, तो एक जगह हमने पढ़ा आयुर्वेद स्टडीज़ में जब आया कि 80 साल में भी आप सेक्सुअल एक्टिव रहेंगे अगर आप इस प्रोडक्ट के साथ। और फिर मैंने उसको जब इंटरनेट पर देखा इसमें, क्योंकि इतने अच्छे इन्ग्रीडियंट हैं, तो वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। वहाँ लिखा था कि आप मतलब कंटिन्यूसली 80 से 90 साल तक भी एक्टिव रह सकते हैं अपने इस। बहुत बड़ा प्रोडक्ट है ये हमारा, बहुत बड़ा मार्केट है। आपको अभी तक मैं आपको बता दूं, किसी ने इतनी डिटेल में क्या क्या लेडीज को प्रॉब्लम हो सकती है कभी लिख के दिया नहीं होगा, ये नोट कर लो। ये सब प्रॉब्लम लेडीज को होती है, और रेड में जो होती है जो ऊपर है ऑस्टियोपोरोसिस तक ये ज्यादा कॉमन है, और नीचे वाली जो है ये एल्डरली एज के अंदर आती है। ये सारी प्रॉब्लम लेडीज को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आती है, और इनको नोट करके ले जाओ, फटाफट नोट करो, जल्दी से नोट कर लो। और इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला वैसे साफ बता रहा हूं आपको, किसी लेडीज से आपने ज्यादा पूछना नहीं है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ कहना है जी ये लेडीज के लिए टॉनिक है, बहुत बढ़िया है, यूज कर लो बस। तो की बात है, रोहतक शीला बाई पास पे अपना सेल काउंटर है, वहाँ पे 7 बोतल इसकी आरोग्य सखी की बची हुई थी, और वहाँ पे 2 डॉक्टर आ गए जो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, तो उनका मतलब इतना इफेक्टिव है ये आरोग्य सखी, इतने रिजल्ट आए, क्योंकि कम से कम 100 बोतल की रिक्वायरमेंट थी और मेरे पास 7 बोतल थी, और उन 7 बोतल की वजह से दोनों इकट्ठे एक ही टाइम पे आए थे और जानने वाले थे दोनों, उनका इस सखी के ऊपर झगड़ा हो गया लेने के ऊपर, भाई ये 7 बोतल मैं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा, मतलब मारपीट हुई है डॉक्टरों में, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट किसी का लड़ रहे हैं डॉक्टर, मतलब कितना गजब का, इससे आगे और क्या हो सकता है जब डॉक्टर लड़ रहे हैं इस बात में, इस बात में एक बार सभी लोग खड़े हो गए, दोनों खड़े हो गए। काफी अनुभव है मेरी दुकान के, और भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है आज के टाइम पे सबसे अच्छी जुकाम और क्रॉनिक खांसी और क्रॉनिक जुकाम का इलाज है गिलो, तुलसी और आंवला, और तीनों प्रोडक्ट आपके पास हैं। और तुलसी तो कभी तुलसी की 4 बूंदे यार चाय में डाल के पियो ना यार, इतना मजा आएगा इसका यार, पी के तो देखो तुलसी वाली चाय याद करोगे इतना मजा आता है। ये चीज ऐसी आपके पास तुलसी सब, और जिसको पिला दोगे वो भी कह रखेंगे यार ये तो मजा आ गया, क्या दे दिया तुमने यार, ये जादू आपके पास है यार। मैंने आपको शुरू में कहा था दिस इज अ डायमंड इन द रफ, आपके पास एक के बाद एक प्रोडक्ट ऐसे जबरदस्त पड़े हुए हैं कि आप तो आ जाओ मार्केट के अंदर यार। लेकिन मैं एक
ऐसी लेडी के एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जिनके यहाँ मैं रेंट पर रहती हूँ हजारीबाग में। वो जिसमें मैं वहाँ रहने आई थी उसमें उनका उनकी उम्र 76 ईयर थी और वो बहुत परेशान रहती थी दर्द से। तो मैंने मुझे मालूम हुआ कि मैं प्राकृतिक चिकित्सा से प्रैक्टिस करती हूँ और आयुर्वेदिक का मैं काम करती हूँ, तो बोली कि मैं एलोपैथ की इतनी दवाइयाँ खा चुकी हूँ कि दर्द आ गई हूँ, अब खाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा ठीक है, आप एक बार मैं जो दे रही हूँ आप 3 महीने आँख बंद करके आप इसे खाओ। उन्होंने हमारी बात मानी और मैं तो 3 महीने लेकर चली थी, लेकिन उन्होंने 15 दिन में मुझे बोला कि 25% मुझे बहुत ही आराम है उसमें। और मैं इसके साथ में चलाई थी ग्लूकोसा मन और 15 दिन में मुझे जो रिजल्ट मिला उन्होंने 76 ईयर्स में, वो शायद मेरे लिए भी आश्चर्य की बात थी। इतनी उम्र में इतने कम समय में रिजल्ट मिला और मेरा विश्वास बढ़ता गया और आज मैं किसी को भी आँख बंद करके उसे देती हूँ। और गारंटी सब मैं यूज नहीं करती, लेकिन इतना जरूर कहती हूँ कि मुझे विश्वास है अगर सबका ठीक हुआ है तो आपका भी ठीक होगा। मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग टाइगर लॉ की मीटिंग में बैठे हैं और इस मीटिंग में इतने इम्पोर्टेंट इतने अच्छे टिप्स बताए जा रहे हैं जिससे हम सब लोग बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। बट क्या है, हम समझने की कोशिश और उसे से गौर नहीं कर रहे। तो मैं चाहता हूँ हम सब लोग अपना फोन साइलेंट कर लें और या स्विच ऑफ कर लें, तो मुझे लगता है कि हम उसे और अच्छे तरीके से सुन सकते हैं, क्योंकि हम फोन स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट पर लगा लें ताकि हम सब लोग परेशान ना हो। और चाहूंगा इस मीटिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ऑल आर यू? यस सर। सबको एंड में भी? ओके ओके डन डन। इनको घर जाकर रिपीट करना पढ़ लेना, देखो अच्छी तरह। आपको किसी को प्रोडक्ट उसके फायदे में फिट करना है, याद रखो। और किसी को सिंपल बात आपको समझा रहा हूं बड़े सीधे साधे अक्षरों में कि कोई प्रोडक्ट किसी के फायदे में फिट नहीं होएगा। कोई कमीज तुमको पसंद नहीं आई तो कोई पहचान नहीं पा, कोई कहां से खरीदवा लेगा? तो कोई प्रोडक्ट अगर किसी को पसंद नहीं आया तो कहां से खरीदेगा वो? आपने उसको बिल्कुल मेस्मराइज कर देना, बिल्कुल अपने साथ ठाल लेना है धीरे धीरे करके। आप यहां जुड़ने का उसको प्रोडक्ट इस्तेमाल के साथ साथ कैसे आमदनी का साधन बन जाएगा पता भी नहीं लगेगा। ये सारी चीजों का आपने उसको आराम से बैठ के एडवांटेज बताना है। और वो चाहता क्या है, हमेशा याद रखो ग्राहक कुछ नहीं चाहता, वो अपने आप को चाहता है। यस। आप जो सोचे कि अपने आप को चाहता है, सबसे पहले अपनी जरूरतें अपनी इच्छाएं और जो वो चाहता है बस उसकी अपनी मर्जी, मेरी मर्जी, सिंपल एज दैट। और मेरी मर्जी समाधान दो, आपको पता लगना होना चाहिए नंबर वन कि जिस ग्राहक के पास जा रहे हो कहीं कहेगा कि यार मैं पूछ के बताऊंगा आपको कि मैं ज्वाइन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, ये प्रोडक्ट मैं खरीदती है कि नहीं खरीदती, मैं आपको बताऊंगा यार। जरा आप कहानी कह चुके हैं आधे घंटे की, कहानी कहने के बाद वो आपको कहेगा कि जी यार एक मिनट जरा सुनो, मैं इसको खरीद नहीं सकता, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है और मैं तो एक्चुअली फादर से पूछ के बताता हूँ यार, जिस किसी और से बताता हूँ, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि उनको आपका ग्राहक जो भी इससे मिल रहे हो उसकी आखिरकार जरूरत क्या है, क्या उससे एक मिनट के लिए अब मेरी तरफ एड्रेस होना सारे के साथ, अब मिलते हैं किसी आदमी सर मैं इस बिजनेस का हूं सर और मैं इसी बिजनेस के अंदर इन इन प्रोडक्ट्स के अंदर डील करता हूं। और सर आपको वैसे तो मैं पहले से जानता हूं
कि आपने सुना होगा कि एक मल्टी लेवल मार्केटिंग नाम की कंपनी भी एक बिजनेस होता है, और कुछ ऐसे ही बिजनेस में हम बहुत अच्छे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट हम बनाते हैं, और जो कि बड़े ही अच्छे प्राइसेस के ऊपर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और जब आप उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करते करते ही आपका एक छोटा सा बिजनेस हो जाता है। सर, इसके बारे में आपको अब बुरा ना, नेगोशिएशन की पहली विजिट के अंदर नेगोशिएशन की कोशिश ना करें, क्योंकि नेगोशिएशन शायद आप अच्छी नहीं कर पाएंगे पहली विजिट के अंदर। तो अपने सीनियर को ले जाएं नेगोशिएशन वगैरह करने की कोशिश ये करो कि पहली एक दो मीटिंग्स के अंदर अपने सीनियर को साथ ले जाएं, और जो कि आपके बिहाफ पे नेगोशिएशन कर लेगा, और उसको नेगोशिएशन करते हुए देखो कि कैसे हम नेगोशिएशन करते हैं। किसी को भी अगर प्रोडक्ट देना हो या जॉइनिंग करवानी हो तो कैसे हम नेगोशिएट करते हैं, और दोबारा मिलने का टाइम फिक्स करो, खत्म करो, क्लोज करो। एक जवाब, एक क्वेश्चन आपके कैटेगरी में से निकाल दो। आपका ग्राहक अपना हालचाल सुनाने के लिए आपके पास आपके सामने नहीं बैठा। सर आप कैसे हैं? सर आई एम फ्रॉम टीवी, अपना बताइए। आई एम फ्रॉम टीवी, मोस्ट हिंदुस्तान के हर अच्छे कॉर्नर के अंदर जा रही है अपने 5 लाख कम है ऐसी कोई कॉम्प्लेक्सिटी मत लेके आओ उसके अंदर, बहुत नर्वस होने की जरूरत नहीं, उसको ज्यादा उकसाने की जरूरत नहीं है, कस्टमर ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है कि तू बहुत ही चीज है ना। तो सर सर पे बिठा दोगे तो बाजे पर चाहिए ज्यादा, सर ऐसी बात नहीं है, सर पे ज्यादा नहीं बिठाना, ठीक है, रिस्पेक्ट देना, अच्छी रिस्पेक्ट दीजिए, सर वालों में नहीं बिठाने की बात करो किसी को भी, और अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करें। देख होनी चाहिए, लिख लो आपने सारे प्रोडक्ट्स की एक दिन की खुराक की कीमत आपको मालूम होनी चाहिए अच्छी तरह, और जैसे ही कभी कॉस्ट के ऊपर कंपैरिजन करे तो सर एक दिन की खुराक इसकी 30-40 रुपए तो है, और 30-40 रुपए के अंदर जो ये फायदा पहुंचाती है सर वो तो पूछिए मत, कितनी कीमत का फायदा है वो, कि आप आपका जो पेशेंट है वो एकदम खुश हो जाएगा यार। आप सोचो सिर्फ 30-40 रुपए के अंदर अगर आप किसी का पेट ठीक कर देते हैं, किसी का शरीर भी अच्छा चलने लग जाता है, और आदमी का बिजनेस भी चलने लग जाता है, तो कोई यार ये बंदा तो बिल्कुल मरा हुआ था, क्या हो रहा है, क्या तैयारी कर रहा है, ये तो बिल्कुल ही ऊपर उठ जाएगा। आप सोचिए, और MLM इंडस्ट्री के अंदर ये देखा गया है, अभी टकरा देगा उसको, और जो इसको कहीं ना कहीं ले जाएगा, ऐसे ऐसे लोग देखते हैं। मुझे एक उदाहरण उसका पता है बड़ी अच्छी तरह, वो है मिस्टर MS तलवार, वो आदमी 1994 राइट्स के अंदर आंख चली गई थी, सरदार था, उसको मुंडा होना पड़ा था, और बैंक के अंदर एक चपरासी था, जनकपुरी के अंदर मरते मरते बैठा था वो आदमी, और उसके बाद वो हिंदुस्तान लीवर का स्टार डायरेक्टर बन गया। वो सर वो एक मंथ के अंदर एक आदमी था जिसने हिंदुस्तान लीवर से 4 करोड़ रुपए कमाए थे। सोच लो, चपरासी था, और उससे एक दिन मैंने बात की थी, तो कहता मैंने अपनी जिंदगी के अंदर एक बार रेडी लगा के केले भी बेचे हुए। शायद इस प्रोग्राम की जरूरत थी आप लोगों को। गैरी साहब ने बहुत शानदार तरीके से हम लोगों को चीजों को थोड़ा सा रखा है हमारे सामने, अब हम पे डिपेंड करता है। और एक बात बहुत बार बार और ये नहीं समझा था, फिर क्या सुनिए, तो कुछ है नहीं करते। तो भाई साहब का एक बार बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।